वहीं छतरपुर के सिविल लाइन थाना अंतर्गत युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में इलाज के दौरान मौत हो गई। जितेंद्र द्विवेदी ने बताया कि उसका छोटा भाई अभितेंद्र उर्फ रिंकू द्विवेदी, जो कि संस्कार स्कूल में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर काम करता था, विगत दो दिनों पूर्व रोहित गुप्ता अमित गुप्ता मेरे भाई को अपने साथ ले गए और तीसरे दिन उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर मृतक की पत्नी प्रीति द्विवेदी ने पति की मौत का जिम्मेदार दोनों युवकों को ठहराया है। फिलहाल सिविल लाइन पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है। पीएम रिपोर्ट के मुताबिक मृतक की मौत का पता चल पाएगा। ये जिला अस्पताल छतरपुर की अस्पताल चौकी से जानकारी प्राप्त हुई है कि अभितेंद्र द्विवेदी नामक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। इस पे सिविल लाइन थाना पुलिस द्वारा मर्ग कायम किया गया है और आगे जांच जारी है। श्री राम कॉलोनी में रहते हैं, शंकर जी के मंदिर के पास। सुबह फोन आया इनका गुप्ता का कि तुम्हारे भाई को उल्टी हो रही है, अस्पताल में भर्ती है, आप आ जाओ। जब हम अस्पताल पहुँचे तो डॉक्टर उनके हार्ट में पंपिंग कर रहे थे, तो देखते हम समझ गए कि हालत ना रुके, तो हमने अपने चाचा के लड़कों को फ़ोन लगाया, बहू को फ़ोन लगाया और इधर उधर फ़ोन लगाया। फिर आधे घंटे बाद डॉक्टर ने बोल दिया कि कुछ नहीं हो सकता, इनका हार्ट काम नहीं कर रहा।